तो गाइस बेलेघाटा के 33 नंबर पल्लीवासी बृंद के पंडाल से तकरीबन 100 मीटर के दूरी। तो गाइस हम लोग फिर से एक नए पंडाल की ओर आगे जा रहे हैं। काफ़ी क्राउड है और आज महाअष्टमी है। जैसे जैसे पूजा खत्म होने के तरफ आ रहा है, लोगों की भीड़ बहुत बढ़ गई है। ये पंडाल की थीम क्या है पता नहीं, बट आगे जाके हम लोग पता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पिछले ब्लॉग में अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे पंडाल विज़िट करके मैं आप लोग को दिखाता रहूं। और बस पंडाल आ ही गया है, आपको भी दिख रहा है पंडाल काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग इसकी। तो गाइस फाइनली पंडाल आ गया है, काफ़ी क्राउड यहाँ दिख रही है मुझे। थीम क्या है पता नहीं इस पंडाल का, बट लाइटिंग और पंडाल जिस तरीके से बना है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। दुर्गा पूजा जैसे जैसे ख़त्म होने की तरफ आ रही है, क्राउड काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे बैरिकेड लगी हुई है और कोलकाता हाई कोर्ट मना कर दी है कि पूजा पंडाल के अंदर हम लोग को एंटर नहीं करना है। मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, ये रही पूजा पंडाल की थीम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्सटेंशन कोर्ट की तरफ नज़र जा रही है मेरी। तो गाइस बेलेघाटा के 33 नंबर पल्लीवासी बृंद के पंडाल से तकरीबन 100 मीटर के दूरी पे हम लोग को एक पंडाल और दिख रहा है। इस पंडाल की जो लाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये हम लोग को बेलेघाटा में ही मिला है, 30 नंबर पल्लीवासी बृंद के 100 मीटर के दूरी पे। इस पंडाल की जो लाइटिंग है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए। हम लोग को पता नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस पंडाल की थीम क्या है, बट ओवरऑल जो लाइटिंग है इस पंडाल की वो काफ़ी सही लग रही है, बेहतरीन लग रही है इस पंडाल की लाइटिंग। और बहुत सारे क्राउड हैं यहाँ पे। ये हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत पंडाल दिख रही है यहाँ पे। तो गाइस बेलेघाटा की जो पंडाल थी, जितनी भी पंडाल थी वो हम लोग देख चुके हैं। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसे ही ब्लॉग आप लोग को दिखाता रहूं।